नमस्कार। ये महीना बड़ा पावन महीना है जब हमारे मुस्लिम भाई बंधु हज यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बंधु जो हैं वो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो ऐसे कई मरीज हैं इसमें जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है और जो हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि इस यात्रा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपनी शुगर अच्छी रखनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आज आपके समय उपस्थित हुआ हूँ। हज यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हज यात्रा पे जाने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डायबिटीज़ के बारे में चेक करवाइए, अपनी शुगर्स कंट्रोल कराइए। हज यात्रा के दौरान आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे लाखों लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पे एक दूसरे को लगने वाली बीमारियाँ माने इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। इसलिए हमेशा वैक्सीनेट करवा कर जाइए। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इसकी आप तैयारी करके जाइए, अपने आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सलाह देंगे। फिर बात आती है कि उस यात्रा के दौरान क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ हो सकती है। देखिए, डायबिटीज़ के मरीज में हमेशा एक ही चैलेंज आता है, वो है शुगर का बढ़ना। ये जो शुगर बढ़ना है, हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर की अधिकता, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करके जाइए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और आपको सही दिशा देंगे। दूसरी बात आती है खान पान, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, फिर भी आपको खान पान में लापरवाही नहीं बरतनी है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा कि किस प्रकार भोजन ग्रहण करना है, सीमित मात्रा में भोजन ग्रहण करना है। तीसरा चैलेंज आता है कि इस यात्रा के दौरान हमारे भाई बंधु काफ़ी उनको चलना पड़ता है। हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, फर्श भी ठंडा रहता है क्योंकि एसी की व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लंबे समय तक चलना मतलब डायबिटीज़ में शक्कर कम होने को बुलावा देना। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे समय आप टुकड़ों में भोजन लीजिए, हर दो दो घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। आप अपने साथ डेट्स रखिए या किसी प्रकार की कुछ ना कुछ चीज़ें रखिए जिससे अगर आपको इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए अचानक ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी ऐसा होने लग जाए, तो ये शक्कर कम होने के लक्षण हैं। जब भी ऐसा होगा आप कुछ ना कुछ कोई शुगर कैंडी ले लीजिए या कुछ बिस्किट्स ले लीजिए ग्लूकोज के, या आपको वहाँ पे किसी प्रकार के डेट्स और बाकी चीज़ें हैं तो वो आप लेकर चलिए। तीसरी चौथी बात आती है कि इस दौरान जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपको नंगे पैर चलना पड़ता है, आपको चप्पल अलाउड नहीं होती। तो इस दौरान डायबिटिक पेशेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मोटे मोजे पहनिए, कॉटन के मोजे, मैंने पता किया है ये बिल्कुल परमिटेड होता है। तो हमारे मरीज, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो सुन्न हो सकते हैं, अगर आपके पैर सुन्न हैं तो उनको चोट का पता नहीं चलेगा और घाव बन जाएगा, तो इसलिए इस यात्रा के दौरान आप मोजे पहनकर पैदल चलिए। चौथी बात ये आती है कि आपस में किस प्रकार से अपने को क्या रखना है, कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या ऐसी हो, क्योंकि आपको दिन भर चलना है तो आप उस समय ध्यान रखें कि टुकड़ों में भोजन लीजिए और बराबर अपनी हज यात्रा का आनंद लीजिए। इस पावन अवसर को, इसकी पावनता को और बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बराबर अपने शुगर का नियंत्रण करें, दवाइयाँ बिल्कुल समय से लें और अगर शुगर लो हो तो मीठा खाइए। हज यात्रा के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं उनके मन में ये बात रहती है कि अब इंसुलिन हम नहीं ले जाना चाहते, वहाँ 40 दिनों में हमें बहुत सा ट्रैवल करना होगा, बहुत सा सफ़र करना होगा, बहुत सी वॉक करनी होगी, हम टेंट में कहाँ इंसुलिन रखेंगे। तो ऐसे मरीजों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इंसुलिन ज़रूर ले जाइए, क्योंकि इंसुलिन के बगैर जो मशीन इंसुलिन पे कंट्रोल है उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप इंसुलिन नहीं ले गए, वहाँ शुगर्स बढ़ गई, तबीयत ख़राब हो गई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इंसुलिन, और फिर कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो हज पर जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंसुलिन लगाना ही होगा, नहीं तो कीटो एसिडोसिस की बीमारी हो जाएगी और पता चला वहाँ फिर इतनी चिकित्सकीय व्यवस्था ना हो तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इंसुलिन कैसे कैरी करना है? देखिए, इंसुलिन के आजकल सिंथेटिक कूलेंट बैग्स होते हैं, वो आप फ्रिज में रखते हैं तो 48 आवर्स तक वो ठंडे रहते हैं, और हज यात्रा के दौरान फ्रिज की व्यवस्था टेंट्स में होती है। तो आप जब आप टेंट्स में हैं तब आप तो फ्रिज में दरवाजे पर अपना इंजेक्शन का पेन या आपका जो इंजेक्शन का वायल है वो आप बराबर रख सकते हैं, और फिर उसके बाद कूलेंट बैग रखिए उनके फ्रीज़र में, और वही कूलेंट बैग आप अपने छोटे से बॉक्स में या छोटे से आपके कैरी बैग में या ट्रैवल बैग में आराम से रखकर इंसुलिन ले जा सकते हैं।
तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जब वॉक करना पड़ रहा है, दिन में आपको श्राइन्स में जाना पड़ रहा है, तब आप अपने कूलेंट बैग के साथ इंसुलिन ले जाइए। हो सकता है दिन का शॉट है आपका, तो वो भी मत मिस करिए। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि इंसुलिन के जो मरीज़ हैं उनको इंसुलिन नहीं छोड़ना चाहिए और इंसुलिन अपने साथ में कैरी करना चाहिए।